जनरल साहित्य शिक्षा। आज हम रेमंड विलियम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट है रेमंड विलियम के ऊपर। तो इससे पहले हमने रेमंड विलियम का फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो चैनल पे विजिट करके देख लीजिएगा। उसमें हमने रेमंड विलियम के लाइफ के बारे में, उनके बहुत सारे इम्पोर्टेंट वर्क्स के बारे में, उनकी कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरीज के बारे में डिस्कस करा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके पहले उसको देख लीजिएगा, ताकि आपको इन ये सारे पॉइंट और अच्छे से क्लियर हो जाए। चलो अब शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम रेमंड विलियम के टू वर्क्स के ऊपर फोकस करेंगे, जो कि उनके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं। ऑलमोस्ट ऑल एग्ज़ाम जो कल्चरल स्टडी जिनमें आता है, लाइक PhD के एग्ज़ाम हो गए या नेट का हो गया, उनमें मेन फोकस जो रहता है वो इन टू वर्क्स के ऊपर ज़्यादा रहता है। ऐसे तो मैंने पहली वीडियो में बताया था कि रेमंड विलियम के ऑलमोस्ट ऑल वर्क्स ही इम्पोर्टेंट हैं कल्चरल स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलो हम शुरू करते हैं अब इनका ये वाला नॉवल, द लॉन्ग रेवोल्यूशन। ये पब्लिश हुआ था 1961 में। अब मैं बता देती हूँ सबसे पहले टाइटल का मतलब क्या है। अब रेमंड विलियम ने इस टाइटल को क्यों चूज करा और इसका एक्चुअल में ये डेडिकेट क्या करना चाह रहा है, शो क्या करना चाह रहा है। एक्चुअल में लॉन्ग रेवोल्यूशन का मतलब, रेवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति, और लॉन्ग मतलब जो लॉन्ग टाइम तक चले। एक ऐसी क्रांति जो बहुत लंबे टाइम से चल रही है और आगे भी चलेगी, ठीक है। तो उसने इसमें कुछ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में हमें बताया है। चलो वन बाय वन उनको समझते हैं कि वो क्या क्या थे। सबसे पहले तो आपको ये तो समझ में आ गया कि कोई ना कोई क्रांति की बात हो रही है। अब उसमें दो चीजें इम्पोर्टेंट थी। फर्स्ट थी हमारी डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन और सेकेंड थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन में का मतलब क्या है कि डेमोक्रेसी तो आपने सुना ही होगा, जिसमें कि लोग खुद चूज कर सके कि उनको क्या करना है, वो खुद पावर को चूज कर सके कि जो उनके ऊपर डिसीजन ले रहा है वो खुद चूज करें, ठीक है। सेकेंड है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये मेन थिंग थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जिक्र इसने अपने बहुत सारे वर्क्स में करा है, और ये इम्पोर्टेंट थीम थी उस टाइम की, क्योंकि 1790 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था। तो इस टाइम पे मतलब कि उस टाइम से लेकर और अब 18th सेंचुरी में इसके क्या प्रभाव रहे हैं लोगों की लाइफ पे, वो चीज शो करी हुई है। तो क्या बताते हैं इस बुक में जो रेमंड है वो डेपिकेट करते हैं क्या, ग्रोथ पॉपुलर प्रेस की, कि मतलब मास मीडिया है, जो मास मीडिया कितना ज्यादा ग्रो कर रहा है और लोग अपने एक्चुअल कल्चर को भूल रहे हैं, और जो मास मीडिया है उसकी ग्रोथ ज्यादा हो रही है। सेकेंड है ग्रोथ ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश, यानी कि जो ऑर्डिनरी पीपल थे उनकी जो इंग्लिश थी, वर्नाकुलर जो लैंग्वेज थी, वो कम हो रही है और लोग स्टैंडर्डाइज को ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल हम इंडिया से भी ले सकते हैं। जैसे कि हमारी मातृभाषा है हिंदी, तो लोग हिंदी के बजाय इंग्लिश को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। अब जो इंग्लिश सिखा रहे हैं, इंग्लिश बता रहे हैं, वो भी मतलब अगर वो उस तरीके से नहीं कह रहे तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि इंग्लिश ही है जो हमें पर्सनैलिटी देता है, ठीक है। तो वही है कि स्टैंडर्ड इंग्लिश, यानी कि एक्चुअल में उधर तो इंग्लिश ही होती है, बट इंग्लिश भी कई तरीके की होती है। एक वर्नाकुलर लैंग्वेज हो गई। अब जैसे हिंदी है, हिंदी कैसी होती है, अब हिंदी जो हम बोलते हैं हरियाणवी होती है, पंजाबी होती है, अब कितनी सारी लैंग्वेज आती है ना, बट जो हिंदी की जो प्रोनाउंसिएशन होती है एक्चुअल में, क्या हम प्योर यूज करते हैं, नहीं करते ना। तो वो स्टैंडर्ड वाली हिंदी तो हम भी यूज नहीं करते। तो इसी तरीके से जो स्टैंडर्ड इंग्लिश है उसका भी यूज वहां पे नहीं होता था, वर्नाकुलर होता। वर्नाकुलर का मतलब होता साधारण इंग्लिश का यूज होता था, बट अब स्टैंडर्ड इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करा जाने लगा। ग्रोथ ऑफ रीडिंग पब्लिक इन कल्चर, अब ग्रोथ थी जो रीड करने की पब्लिक में इंग्लिश कल्चर। क्या चीज है जिसकी ग्रोथ होने लगी कि भाई इंग्लिश कल्चर था ना, लोग जो स्टैंडर्ड कल्चर था उसको ही रीड करने लगे ज्यादातर। जैसे कि आजकल इंग्लिश पे ही ज्यादा जोर दिया जा रहा है, अगर कोई बंदा इंग्लिश बोलता है तो वही मतलब स्टैंडर्ड है, चाहे ये बात कोई डिनाई करे या ना, चाहे ना करे, पर एक्चुअल में ट्रुथ तो यही है ना कि हम उसी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो इंग्लिश बोलता है या इंग्लिश समझता है। तो हम उसको थोड़ा सा ज्यादा कहीं ना कहीं हमारे अनकॉन्सियस माइंड से उसको किसी न किसी एक लेवल पे ज्यादा अहमियत देते हैं, ठीक है। अब रेमंड विलियम ने इस बुक को टू पार्ट्स में डिवाइड करा है। फर्स्ट है
आता है, ये एक फिलोसॉफिकल और एब्स्ट्रैक्ट बुक है। फिलोसॉफिकल का मतलब होता है कि उसमें फिलोसॉफी का मतलब होता है कि जो नॉलेज होती है जो बिल्कुल बेस से उठाई जाती है, जिसमें कि पूरी ओवरऑल चीजों को देखा जाए वो। और एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि जो पहलू छोड़ दिए जाते हैं, जैसे कि मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट चीजें हम कह सकते हैं, जैसे कि दीवारों पे कुछ खुदाई करवा रखी है, दीवारों पे कुछ लिखवा रखा है, या कोई पेंटिंग बना रखी है, या किसी चीज पे कोई आर्ट बना रखी है, तो वो चीजें शायद बोल तो नहीं सकती, ठीक है, पर वो कुछ ना कुछ बयां तो कर रही होती है ना, कुछ ना कुछ तो हमें बता रही होती है। तो वही चीज है कि वो जो चीजें हैं कि मतलब एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि वो कुछ ना कुछ हमें सिखा रही है बिना बोले भी, तो उनको एब्स्ट्रैक्ट बोला जाता है। तो इसमें ये फिलोसॉफिकल और एब्स्ट्रैक्ट है जो कल्चर उसको शुरू करता है, और कल्चर एंड सोसाइटी जो इसकी बुक है उसमें भी इसने इन चीजों को दिखाया हुआ है। अब आगे देखो, इस पार्ट में ये एक्सप्लोर करता है जनरल थ्योरी ऑफ कल्चर। मेनली ये इस बुक में बताना चाहता है कि एक्चुअल में कल्चर है क्या। अब इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताया था कि जो रेमंड विलियम है उसके अकॉर्डिंग कल्चर क्या था, तो आप उसको एक बार अच्छे से देख लो ताकि आपको ये जनरल थ्योरी या कल्चर की विलियम की वो समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसमें ये एक्सप्लोर करता है कि कल्चर क्या है, यानी कि कल्चर, विलियम ने बोला कि एवरीथिंग इज कल्चर, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट है जो इस बुक का, सेकेंड पार्ट में ये दिखाता है एम्पिरिकल एंड हिस्टोरिकल एंड प्रोवाइड ऑल एग्जांपल ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियल। ये क्या कहता है कि एम्पिरिकल और हिस्टोरिकल है, ठीक है, यानी कि एम्पिरिकल का मतलब क्या होता है कि उस टाइम की, अब देखो यहाँ पे इसने बात करी थी डेमोक्रेसी की, करी थी। एम्पिरिकल का मतलब होता है जब कोई राजा का शासन चल रहा होता है, उसके बाद उसका बेटा बन जाता है, तो वो होता है एम्पिरिकल। तो हिस्ट्री में एम्पिरिकल होता था, और हिस्टोरिकल का मतलब कि पुराने कुछ पॉइंट ऑफ व्यू को उठाया हुआ है और प्रोवाइड करा है एग्जाम्पल हिस्टोरिकल मेटलिस्ट का। अब ये हिस्टोरिकल मेटलिस्ट क्या है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में इसके कल्चरल मेटलिज्म के ऊपर बताया था, तो हिस्टोरिकल मेटलिज्म के अभी क्या है कि जो कल्चरल मेटलिज्म था वो क्या था, उसमें वो हर हिस्ट्री से हर पॉइंट को उठा रहे थे और ये देख रहे थे कि हिस्ट्री में जो जो हुआ है ना, जो जो रेवोल्यूशन हुए, जो जो मूवमेंट हुए जिनमें वर्किंग क्लास को सप्रेस करा गया है, वो कंटेस्ट वो ले रहे थे एज एग्जांपल। तो यही है वो हिस्टोरिकल मेटलिज्म, यानी कि हिस्ट्री में जितने भी मेटलिस्टिक जो थिंग्स थी, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि जैसे मेटलिस्ट में आते हैं जैसे गाड़ी घर बंगला जिनके पास है वही रेप्यूटेड है, तो वो सब, ठीक है। तो हिस्टोरिकल मेटलिस्ट थी टू कल्चरल एनालाइज, ठीक है, कल्चरली एनालाइज करा उस चीज को। इन दिस पार्ट ही डिस्कस कल्चर थ्योरी दैट इज ऑल्सो डिस्कस इन कल्चर एंड सोसाइटी। और इसमें इसने कुछ कल्चर थ्योरी के बारे में और आगे एक्सप्लोर करा है, जो कि इसने कल्चर एंड सोसाइटी जो इसकी बुक है उसमें भी इसने डिस्कस करा हुआ है। तो आई होप यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा, अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखो विलियम पॉइंट टू कंटिन्यूइंग एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एजुकेशन। अब जो लॉन्ग रेवोल्यूशन था ना, उसमें उसने कल्चर के एक्सपेक्ट नहीं लिए थे, ये सोचो कि बस कल्चर के बारे में बातें बता जा रहा था, इसलिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कल्चर के बारे में, तो उसने हर चीज हर बुक में बताया है। इसमें उसने किन चीजों को और पॉइंट आउट करा, स्पेशल इसने एजुकेशन को लिया है और मास मीडिया को। इसने क्या बोला कि जो एजुकेशन है ना, सबसे पहले तो इसने चाइल्ड सेंटर बोला कि जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है ना, उसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ी हो रही है, यानी कि बहुत सारी मिस्टेक है जो वो कर रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया है, बहुत सारी जो चीजें हैं टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है, तो क्या हो रहा है उससे कि जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है ना वो खत्म हो रही है, यानी कि कोई भी बच्चों के बारे में नहीं सोच रहा, सब अडल्ट की तरफ फोकस कर रहे हैं। अगर कोई न्यूज़पेपर पब्लिश करवा रहा है तो भी अडल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई मैगजीन लिख रहा है तो भी अडल्ट के, कि यंग जनरेशन पे ज्यादा फॉलो कर रहे हैं लोग, उनको ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, तो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का क्या हो। यहाँ पे लिखा है, हाँ ये रहा, बहुत सारी मिस्टेक हो रही है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में, ओनली अबाउट कल्चर इशू, न्यूज़पेपर आर्टिकल मैगजीन सब जगह क्या दिखाया जा रहा है आपको, अडल्ट कल्चर दिखा जा रहा है। तो सबसे पहले तो विलियम कहता है
कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन को सुधारा जाए। अगर चाइल्ड का भविष्य अच्छा करेंगे, हम बच्चों का भविष्य अच्छा करेंगे, तो जो आगे की जो जनरेशन है, उनकी जो पीढ़ी है, वो खुद ही सुधर जाएंगी। और टेक्नोलॉजी का नॉलेज भी अगर उनको स्टार्टिंग से ही हम अवेयर कराएंगे, तो शायद वो और बेटर तरीके से सीख सकते हैं। कितना बढ़िया पॉइंट बताया ना उसने। अब आगे देखो, अब इसने बोला कि वी हैव पॉइंट टू कंटिन्यू एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एजुकेशन। अब वो इस चीज को भी देखता है कि वैसे तो मतलब कि सोसाइटी इतना ज्यादा आगे बढ़ गई है, बट आज भी जो फोकस है वो प्राइवेट एजुकेशन पे है। जैसे कि अब इंडिया में लगा लो, कितने सारे जो हैं गवर्नमेंट स्कूलों की क्या हालत है। कहीं कहीं पर ही जो गवर्नमेंट स्कूलों की हालत सुधर गई है, लाइक दिल्ली चंडीगढ़ वगैरह में हम कह सकते हैं, बट कई एरिया में तो जैसे विलेज वगैरह में तो उनकी जो गवर्नमेंट स्कूल है उनकी हालत बहुत ही ज्यादा कंडीशन खराब है। तो यही कह रहा है कि प्राइवेट एजुकेशन है ना, उसका एग्जिस्टेंस अब भी बना हुआ है। कि ऐसा क्यों नहीं कि गवर्नमेंट की तरफ ज्यादा हो, गवर्नमेंट की नॉलेज क्यों नहीं करवाई जा रही, गवर्नमेंट को अवेयरनेस क्यों नहीं दी जा रही कि प्राइवेट का एग्जिस्टेंस खत्म करो भाई। अगर गवर्नमेंट स्टेप ले रही है, हमारे लिए काम कर रही है, तो फिर क्यों अब भी प्राइवेट का एग्जिस्टेंस है? क्योंकि वो मार्क्सिज्म भी था ना, मैंने पहली वीडियो में बताया था, तो ये पॉइंट तो मार्क्सिज्म से जोड़ता है। ठीक है। एंड प्रैक्टिस ऑफ शॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग विद इन अ स्टेट सिस्टम। और वो किन चीजों के ऊपर भी फोकस करता है कि अब जो जो एजुकेशन का सिस्टम का ओवरऑल जो ग्रेडिंग निकाल रहे हैं या जो पूरा जो कंट्रोल कर रहे हैं वो स्टेट कर रही है, यानी कि एक बेसिक लेवल पे हो रहा है, उसको एक कंट्री लेवल यानी कि एक अप लेवल दिया जाए। ठीक है। हाँ, और आगे ये शो करता है सोशल इनइक्वलिटीज को। कैसे सोशल इनइक्वलिटीज को? कि जो पावर में है जो लोग, वो किसी भी लोग को बना देते हैं, बट अब जो वर्किंग क्लास है उनको वो अधिकार नहीं दे रहा। सेकंड पॉइंट ये था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब शुरू हो गया था तो वर्किंग या लेबर क्लास है उनकी वेजेस भी बहुत कम थी। सबसे पहले तो उनका हैंड मेड जो भी काम था वो सब हट गया, सब उनको छोड़ना पड़ा। मशीनें आ गई, वो सस्ते रेट पे कपड़े वगैरह बुन देती थी, और दूसरा वो क्या करती थी, उनके प्रोडक्ट भी बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव होते थे। तो इस वजह से लोगों ने इंडस्ट्रीज के जो चीजें थी, जो इंडस्ट्रीज में बनती थी, उन चीजों को लेना शुरू कर दिया। अब क्या होता है कि इससे क्या हुआ कि जो वर्कर थे, जो मतलब मान लिया टोकरियां बुन रहा है कोई, कोई रस्सी बना रहा है, अब उनके काम छूट गए और वो इंडस्ट्री में जाने लग गए। अब देखो, अब इंडस्ट्री के मालिक को पता है कि भीड़ बहुत है, तो वो क्या करता था कि जितने भी लेबर को लेता तो उनकी वेजेस बहुत ज्यादा कम रखता था। ठीक है। और उनको कम वेजेस पे भी काम करना पड़ रहा था, क्योंकि खाना तो खाना ही है भाई। ठीक है। तो इससे क्या हुआ ना कि सोशल इनइक्वलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब देखो, विलियम है उसने इन चीजों को भी नोट डाउन करा कि सोशल स्टडी है ना, सोशल स्टडी है वो ओमिट करी जा रही है, यानी कि सोशल स्टडी की तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। कि अगर जो बच्चे एजुकेट हो रहे हैं, अगर वो सोसाइटी के बारे में ही नहीं सीखेंगे तो क्या फायदा उनकी एजुकेशन का। तो इस चीज के ऊपर मैं फोकस करा कि सबसे पहले तो वो अपने सोशल कल्चर से उनको अवेयर होना चाहिए, सोसाइटी में क्या क्या चीजें हो रही है, क्या सही है क्या गलत है, सोसाइटी के हर एस्पेक्ट उनको क्लियर होना चाहिए कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, तभी तो वो एक अच्छे नागरिक बनेंगे ना। ठीक है। तो ये कह रहे थे कि एजुकेशन में जो सोशल स्टडीज है उसको ओमिट करा जा रहा है। स्टूडेंट हैव नो, उन स्टूडेंट को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी जा रही जो किससे रिलेटेड हो, किसी कानून के बारे में, कि भाई अगर तुम ऐसा करोगे तो 376 की धारा लग जाएगी, तुम ऐसा करोगे तो आर्टिकल 31 के तहत तुम्हारे इंटरव्यू आ जाएगा, तो उनको इस चीज की नॉलेज भी नहीं दी जा रही। एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड टेक्निक ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। और क्या जो पब्लिक का प्रशासन है और जो टेक्निक है मॉडर्न सोसाइटी की। अब मैंने बताया ना कि चाइल्ड को उन चीजों से अवेयर ही नहीं कराया जा रहा, क्योंकि उनका एजुकेशन सिस्टम बदल ही नहीं रहा, जो घिसा पिटा है वही चल रहा है, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब जैसे आज के टाइम में ही लगा लो, अब जैसे पॉलिसी चेंज हुई है रिसेंट 2 साल से, तो क्यों चेंज करी गई? कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि अगर हम वही वही एजुकेशन ले रहे हैं जो पिछले 1986 से चल रही थी,
एजुकेशन पॉलिसी उसी के हिसाब से चल रही थी, तो कितना पिछड़े रह जाएंगे हम दूसरे देशों से। तो इसीलिए तो न्यू पॉलिसी लागू करी ना। तो यही कह रहे हैं कि जो टेक्निक है उसको एजुकेशन में भी लाया जाए, जैसे कि आजकल स्कूलों में आपने लैब देखे होंगे, कंप्यूटर लैब वगैरह, उनमें बच्चों को पहले से ही सिखाया जाता है कैसे क्या करना होता है। ठीक है, कोरोना वायरस ने तो वैसे सब कुछ सिखाई दिया है बच्चों को। आगे देखो, ही सेज इन हिस्ट्री टू ऑल्सो इग्नोर। अब वो क्या कहता है कि हिस्ट्री है ना, उसके जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके प्रोस्पेक्ट है, उनको भी सोसाइटी मतलब उनको भी एजुकेशन में इग्नोर करा जा रहा है। अब देखो, कोई भी चीज है, सबसे पहले तो हमें हिस्ट्री जाननी जरूरी होती है कि ऐसा, जैसे कभी भी हम किसी चीज का इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं, मान लिया आपको कोई नया इनिशिएटिव लेना है या आपको कोई नई चीज शुरू करनी है, तो सबसे पहले तो आप ये देखोगे ना कि उस फील्ड में कितने आदमियों ने क्या क्या काम करा है, कौन फेमस रहे हैं, कौन अप गए हैं, वो किस कारण से गए हैं, और क्या क्या चीजें हैं जो हो चुकी हैं, और आपको किस चीज पे काम करना है, तो आप उन्हीं चीजों को पहले देखोगे। तो यही कह रहे हैं, बट इसमें जो हिस्ट्री है वो इग्नोर करी जा रही है। अब देखो, इसने एक और चीज पे फोकस करा है, दैट इज द ऑब्सेंस, ही ऑब्सेंस ग्रामर स्कूल करिकुलम ऑफ हिज टाइम वाज एसेंशियल क्रिएटिव। अब देखो भाई, उस टाइम पे इन्होंने इतना अच्छा सोचा जो कि आजकल भी कई स्कूलों में नहीं सोचा जा रहा, पर ये बहुत अच्छी बात थी, और मैं तो चाहती हूँ कि आज भी अगर अच्छे से शुरू से ही ग्रामर वगैरह सिखाई जाए, ये जो ग्रामर की ये जो मेंटेलिटी क्रिएट कर दी जाती है कि हाँ इंग्लिश बोलना है या सही सेंटेंस लिखना है वही ग्रामर है, तो ऐसा ये हटा के कोई एक अच्छा टीचर जो अच्छे से बच्चों को ट्रेन करे स्टार्टिंग से ही। तो उन्होंने भी यही बात बोली कि जो ग्रामर स्कूल करिकुलम है, यानी कि जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है स्कूल का, उसमें ग्रामर के सब्जेक्ट को ऐड करा जाए। ठीक है, शो ये तो मैंने बता दिया है। दिस बुक अवेक अ लेबर थर्ड सक्सेसिव इलेक्ट्रोल डिफीट इन 1959। अब देखो ये पूरा क्या था, ये मैं समझा देती हूँ। अब देखो, जो लेबर क्लास थी, मैंने बताया पहले उनको अलग बिल्कुल नीचे वाले मान लिया गया था। अब क्या हुआ कि वोटिंग सिस्टम शुरू हो गई, डेमोक्रेसी शुरू हो गई। अब जब वोटिंग शुरू हुई तो जो लेबर क्लास थे उनको वोट का अधिकार ही नहीं दिया जा रहा था, उनको बोला गया कि तुम्हें वोट का कोई अधिकार नहीं है, तुम वोट दोगे ही नहीं। तो उस चीज के लिए, वोट रेस्ट्रिक्शन के लिए 1959 में एक इलेक्शन हुआ था, उसकी भी बात इसने करी है। तो आई होप कि ये लॉन्ग रेवोल्यूशन आपको अच्छे से हर पॉइंट क्लियर हुआ होगा। मैंने हर इम्पोर्टेंट पॉइंट को इसमें कवर कराने की कोशिश करी है, बड़े ही कंसाइज वे में, बड़े शॉर्ट तरीके से। आई होप कि आपको समझ में आएगा। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट में। अब फटाफट से स्कोर कर लेते हैं कल्चर एंड सोसाइटी को 1958 में। कल्चर और सोसाइटी से आपको समझ में आ गया होगा कि कल्चर किसका, सोसाइटी का। ठीक है, इसने इसमें डिस्कस करा कि हाउ कल्चर डेवलप इन ग्रेट ब्रिटेन, कि जो ब्रिटेन था ना उसमें कैसे जो न्यू कल्चर है वो क्या कर रहा है, न्यू कल्चर डिस्कस हो रहा है, न्यू कल्चर डेवलप हो रहा है हम कह सकते हैं। ये नेविगेट करता है कन्वेंशनल सोशल और हिस्टोरिकल थिंकिंग कल्चर की, कि कन्वेंशनल का मतलब होता है जो पुरानी एंशियंट टाइम की हिस्टोरिकल जो चीजें हैं वो कैसे कल्चर के साथ, जो नया कल्चर मॉडर्नाइजेशन आ रहा है उसके साथ हम पुराने वाले कल्चर को भी स्टेप बाय स्टेप लेके कैसे चले साथ साथ। ये लिखा गया था रिस्पॉन्स टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के रिस्पॉन्स में इसको लिखा गया था, कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने से लोग जो अपने कामों को छोड़ के एक नई वे की तरफ भाग गए हैं, अपने गांव को छोड़ रहे हैं, सिटीज में जा रहे हैं, और अपनी सोसाइटी, अपने कल्चर, सब चीजों को पीछे छोड़ रहे हैं, तो उन चीजों को भी साथ में लेके चलना है। ठीक है, इन्होंने इसने 5 कीवर्ड चूज करे थे किसके रिस्पॉन्स में, रिप्रेजेंट करने के लिए कल्चर को। पहला था इंडस्ट्री, कि इंडस्ट्री आने की वजह से ही हुआ ना, इंडस्ट्री आई है तो ये लोग उनके पीछे भाग रहे। सेकेंड है डेमोक्रेसी, कि अब लोग हैं उनको खुद की जो सत्ता है वो चूज करनी है, तो अब उनको ये देखना है कि क्या उनके लिए सही क्या गलत है। थर्ड है क्लास, कि लेबर क्लास थी, वर्किंग क्लास, लेबर क्लास हो गई, मिडिल क्लास या जो इलिट क्लास हो गई, अब वो क्लास सिस्टम है, उन चीजों को खत्म करा जाए जितना हो सके अगर एक अच्छी सोसाइटी आपको क्रिएट करनी है तो। फोर्थ है आर्ट, यानी कि अब लोग क्रिएटिव ज्यादा हो गए हैं, इंडस्ट्रीज, नई नई चीजें बन रही है, नई नई चीजें लागू हो रही है, वो शहरों में जा रहे हैं,
नई चीजों को देख रहे हैं, सीख रहे हैं, बहुत सारी जो आर्ट है उनको उसको मॉडिफाई करा जा रहा है और बहुत अच्छे अच्छे आर्ट्स को प्रेजेंट करा जा रहा है। लास्ट है कल्चर, जो कि हमने डिस्कस कर लिया कि कल्चर अब इंडिया में वो शो करता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेकर आया एक फंडामेंटल चेंज इकोनॉमिक बेस में और आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में। अब ये पूरा मार्क्सिज्म से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है, फिर मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ कि इकोनॉमिक बेस का मतलब होता है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो मनी है, जो पूरे देश की, वो क्या ऊपर जा रही है। अगर इंडस्ट्रीज, मान लिया कि ये मुझे एक स्वेटर बुनना है और मैं उसको एक स्वेटर को 2 या 3 दिन लगा देती हूँ बुनने में, ठीक है, बट 2 या 3 दिन में जो इंडस्ट्री है वो 2 या 3 लाख स्वेटर तक बुन सकती है, तो सोचो कि इकोनॉमिक बेस तो स्ट्रांग होगा ही होगा डेफिनेटली। और उसके साथ जो आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जो प्राइवेट को छोड़कर जो कम्युनिस्ट चीजें होती हैं, जो कि मतलब कि किससे जुड़ी हो, जो कि इलिट पीपल के हाई क्लास से जुड़ी हो, जिसमें कि ये देखा जाए कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, उसको बोलते हैं कि प्रॉफिट की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाए, पूरा कि जो ओवरऑल प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो कितना है। अब देखो इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज का स्टार्टिंग में जो मीनिंग लिया गया वो ये था कि स्किल, यानी कि अब देखो स्टार्टिंग में कोई भी नई चीज आती है तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि इस नई चीज की के अंदर खासियत क्या है, हम क्या स्किल है इसमें जो कि हम सीख सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं, तो उसके स्किल को सबसे पहले देखते हैं, ठीक है, उसके सीखने की कोशिश करते हैं। तो शुरू में वो हमारे लिए एक ऐसा जरिया होता है जो हमारी नॉलेज को, हमारी स्किल को और बेटर बनाता है, बट बाद में क्या हुआ कि ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशन, बट बाद में धीरे 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 क्या होता गया। मान लिया इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं कि मान लिया आप एक घर में न्यू कोई भी जैसे फ्रिज लेके आए, ठीक है, तो शुरू में हम क्या करते हैं उस फ्रिज को कितने अच्छे से संभालते हैं ना, बिल्कुल एक एक चीज देखते हैं, उसको सीखते हैं, ये बटन यहाँ से है या कोई नई वॉशिंग मशीन लेके आए यहाँ से नहीं दबना चाहिए बिल्कुल अच्छे से। अब फिर मान लिया 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, तो फिर वो क्या रह जाती है, कपड़े धोने की मशीन, फटाफट लगाई चलाई और धुल गई, है ना, ऐसे ही होता है। तो बस यही है कि मतलब जो इंडस्ट्री है वो शुरू में स्किल थी बट बाद में वो क्या हो गई कि मैन्युफैक्चरिंग का एक जरिया हो गई कि भाई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है, ये कैसा इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। अब देखो इसने जो विलियम है उसने कैनोटेशन के बारे में डिस्कस करा है, वैसे कैनोटेशन के बारे में हमने स्टुअर्ट हॉल के लेक्चर में बता दिया था, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि सिंबल के थ्रू जो भी जिस चीज को हम डेप्लीकेट करते हैं और उससे कोई इमोशन जुड़ा हो, जैसे कि मैंने बताया था कि अगर एक रोज है तो ऐसे तो वो गुलाब का एक सिंपल सा फूल है, बट अगर वही एक कपल दे रहा है एक दूसरे को तो वो क्या हो जाता है, लव और अफेक्शन का सिंबल हो जाता है। जैसे कि जो प्लस का क्रॉस होता है, क्रॉस साइन होता है, वो भी क्या है, एक सिंबल होता है, और वैसे तो वो प्लस के लिए है बट अगर उसको ऐसे जीसीएस यूज करा जाए तो वो एक गॉड का सिंबल है। तो यही थी हमारी आज की वीडियो और हमने इनके दोनों वर्क को और अच्छे से डिस्कस करा है, पहले भी हमने इनके वर्क को डिस्कस करा हुआ है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज उसको देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, और बने रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए, अच्छे से मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, और चलो ठीक है फिर, बाय, थैंक यू।